प्यारे बच्चों, मैं इस पाठ में आपको जो बता रहा था संक्षेप में, मैं बता के आगे बता रहा हूं। मैंने बताया कि अपने देश का जो पूर्वी उत्तरी हिस्सा है, जिसको हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, ये बड़ा अद्वितीय है। यह हमारे अनेक पड़ोसी राज्यों के संपर्क में है, उनकी सीमा रेखा इन राज्यों से मिलती है, और यह क्षेत्र हमारे देश का बड़ा विशेष क्षेत्र है, बहुत विशेष विशेषता रखे हुए है। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक इसने विभिन्न संस्कृतियों को समेट कर रखा है। यह विदेशी तत्वों को की जो निर्ममता है, क्रूरता है, उसको यह झेलने वाला क्षेत्र है। अपने पड़ोसी देशों से यह सेतु का काम करता है और उनसे हमारा रिश्ता भी प्रगाढ़ करता है, इसलिए यह क्षेत्र हमारे लिए अद्वितीय है। यहां पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की इतनी प्रजातियां, जनजातियों की इतनी प्रजातियां हैं, प्राकृतिक इतना सौंदर्य है कि हम इसको एक अपने देश का अद्वितीय क्षेत्र कह सकते हैं। इस क्षेत्र में यदि हम सबसे पहले प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आता है असम। असम इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है, क्योंकि सबसे पहले इस क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आता है असम। असम शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सम का उल्टा, जो सम नहीं है, जो बराबर नहीं है, जो समतल नहीं है, अर्थात जहां की भूमि समतल नहीं है उसको असम कहा है। लेकिन कहा जाता है, माना जाता है कि यहां अनेक वर्षों तक अहोम नामक राजा ने शासन किया, इसलिए भी इसको अहोम कहते हैं। यहां के जो लोग हैं वो प्रायः अनेक तरह के लोग, अनेक नस्ल के लोग मिले जुले हैं, मंगोलियन, इंडो ईरानी, इंडो बर्मीज, तिब्बती बर्मीज नस्लों के लोग, और उनकी भाषा समूह आपस में बहुत गुथा हुआ है, परस्पर मिला हुआ है। यानी उनकी जो मूल संस्कृति और भाषा है उसके साथ साथ उनके मेल से जो भाषाएं और संस्कृतियों का विकास हुआ है उसका भी बहुत प्रचलन है। असम में ब्रह्मपुत्र यहां की प्रमुख नदी है, और नदी द्वीप सबसे बड़ा विश्व का इसी नदी में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में ही नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, वह असम में ही है। ये यहां की विशेषता है। यहां की दो मुख्य भाषा है असमिया और बोडो, जिसको आधिकारिक भाषा कहते हैं, अर्थात जो सरकारी मान्यता प्राप्त भाषा है। यह राज्य कला, कौशल, संस्कृत, नृत्य आदि में बहुत समृद्ध है, बहुत धनी है। यहाँ के लोग रेशम और सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और उनसे अनेक प्रकार के पोशाक को बनाने में ये बड़े कुशल होते हैं। किसी धातु से किसी वस्तु का निर्माण करना, या बांस, या खास करके बांस और बेंत से किसी वस्तु के निर्माण करने में ये बड़े कुशल होते हैं। यहाँ की चित्रकला भी बहुत पुरानी है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब वेनसम यहाँ आया था तो उसने अपने किताब में यहाँ की चित्रकला की चर्चा की, उसका जिक्र किया। तो आप समझ सकते हैं कि असम की चित्रकला कितनी प्राचीन है और कितना महत्वपूर्ण है। असम का मुख्य त्योहार है बिहू। यह तीन प्रकार का होता है, भोगाली बिहू, कंगाली बिहू और रोंगाली बिहू, जो अलग अलग समय में मनाया जाता है, और लगभग असम का पूरा समाज इस त्योहार में शामिल होता है, इस परिवार में, इस पर्व में शामिल होता है, इसीलिए असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। भोगाली का अर्थ होता है भोज, यानी
इस माघी बिहू जो माघ महीने में मनाया जाता है, जिसको हम भोगाली बिहू भी कहते हैं, इसमें लोग खाते पीते हैं, खिलाते पिलाते हैं, दूसरे के आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन कार्तिक महीने में अर्थात अक्टूबर के आसपास में कंगाली बिहू मनाया जाता है। कंगाली मतलब गरीब, कहने का अर्थ हुआ कि इस समय नया फसल खेत में होता है और पुराना फसल, पुराना जो अनाज है वह लगभग खत्म हो चुका होता है। कुछ गरीबी की स्थिति होती है, अनाज का थोड़ा अभाव होता है, इस समय भी पर्व मनाते हैं बिहू, इसलिए इसको कहते हैं कंगाली बिहू। इसके बाद बैसाख के महीने में अर्थात अप्रैल के आसपास में रोंगाली बिहू मनाते हैं। रोंगाली का अर्थ हो गया रंगी, जो यह बिहू मुख्य रूप से मनाया जाता है, इस बिहू तीसरे बिहू को जो बैसाख महीने में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इनमें सबसे तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है रोंगाली बिहू। यह बैसाख भर चलता है, पूरे महीना चलता है। इसमें बिहू नृत्य की प्रतियोगिता की जाती है और इसलिए आप कहिए कि बिहू एक ऐसा पर्व है असम का, जिसमें सारा समाज असम का शामिल होता है। असम में जहां जहां भी आप देखेंगे वहां आपको बांस और चाय की बगान, लंबी लंबी हरी चादर के समान चाय का बगान बिछा होता है, हरा भरा। यहाँ चाय का बगान और बांस का कहिए जंगल ही है। कांजीरंगा नेशनल पार्क, आपने नाम सुना होगा, वो प्रसिद्ध अपने देश का अभ्यारण पार्क यह इसी प्रदेश में है, जहाँ की एक सींग का गैंडा, जो बड़ा दुर्लभ प्रजाति का गैंडा है, दुर्लभ प्रजाति का गैंडा है, वह यहाँ की विशेषता है। मानस टाइगर रिजर्व और मेनरी टाइगर रिजर्व अभ्यारण भी यहाँ है। यहाँ कई प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां पक्षियों की, और एक हॉलॉक गिब्बन नामक लंगूर, जो बड़ा दुर्लभ प्रजाति का लंगूर है, यह यहीं पाया जाता है। और इस प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल वह कामाख्या देवी का मंदिर है, जो यहाँ का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल। धन्यवाद।